لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام اللهم قوني فيه على إقامة أمرك حضرات الكرام सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम फिर आपकी खिदमत में मासूम अलैहिस्सलाम की जानिब से वारिद होने वाली दुआ जो माह मुबारक रमज़ान की हर तारीख में पढ़ी जानी चाहिए और इन दुआओं से इस्तफादा करना चाहिए। चौथी तारीख की दुआ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिसका पहला ही फ़िक्रा ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा क़व्विनी फ़ीही अला इक़ामति अम्रिक। देखिए किसी रोज़ की भी दुआ हो और कोई भी दुआ हो मासूम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकली हुई कोई भी दुआ हो और किसी भी माहौल की दुआ हो वो दुनिया के हर इंसानों के लिए मुफीद साबित होती है और हर ज़माने के लिए भी मुफीद साबित होती है। लेकिन आज जो चौथी तारीख की दुआ है वो बिलखसूस फेसबुक इस्तेमाल करने वालों के लिए ज़्यादा मुफीद है, इसलिए कि आम तौर से फेसबुक वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो नौजवान और जवान हैं। लिहाजा आज की दुआ का जो पहला ही फ़िक्रा है वो जवानों से मुतालिक है, नौजवानों से मुतालिक है जो साहिबान ताकत व कुव्वत हैं, तंदरुस्ती वाले हैं, उनके लिए ये फ़िक्रा है। इमाम मासूम फरमाते हैं اللهم قوني فيه على إقامة أمرك, मेरे अल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान में हमें अपने अम्र को बरपा करने की ताकत इनायत फरमाना। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि चूँकि हमारे मुखातबीन जो फेसबुक पर लाइव आते हैं वो ज़्यादातर नौजवान और जवान होते हैं, सेहतमंद लोग होते हैं, लिहाजा ये फ़िक्रा बिलखसूस जो है वो क्या है, जवानों से मुतालिक है और उनके लिए इंतहाई मुफीद है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे महबूद माह मुबारक रमज़ान में अपने अम्र को बरपा करने के, अपने अम्र को नाफिज और लागू करने के लिए क्या है, हमें ताकत देना। जाहिर सी बात है कि बच्चों के मुकाबले में नौजवान और जवानों के पास ताकत ज़्यादा होती है, ज़ईफ़ों के मुकाबले में, बुज़ुर्गों के मुकाबले में जो नौजवान और जवान हैं उनके पास ताकत ज़्यादा होती है। लिहाजा जाहिर सी बात है कि जब ताकत ज़्यादा होती है तो अम्र खुदाबंदी और अहकाम खुदाबंदी के नफूस के सिलसिले में नौजवान और जवान अपनी ताकत के बन पर ज़्यादा मुअसर और मुफीद साबित हो सकते हैं। लिहाजा आज का जो खिताब है वो ज़्यादातर जो है वो शायद इमाम मासूम जो है वो नौजवानों को ही नज़र में रख करके ये फरमा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई वो क्या चीज़ है कि जो अल्लाह के अम्र में शामिल है। ठीक है, अल्लाह के अम्र में शामिल क्या चीज़ें हैं और उसके लिए क्या करना होता है। जाहिर सी बात है कि किसी भी काम करने के लिए ताकत चाहिए होती है, बेशक अल्लाह के अम्र को भी जो है वो क्या है नाफिज करने के लिए इंसान को ताकत चाहिए ही चाहिए और बेहतर चाहिए, जिस्मानी ताकत भी और याद रहे रूहानी ताकत भी, दोनों ताकतों की ज़रूरत होती है अल्लाह के अम्र को क्या है नाफिज करने के लिए, उसे बरपा करने के लिए। दुआए कुमैल में यह फ़िक्रा खुद अमीरुल मोमिनीन अली सलाम से वारिद है, फरमा रहे हैं कव आला खिदमत का जवार ही वशदुद अलल अज़ीमत जवानह, मेरे अल्लाह अपनी खिदमत के लिए मेरे आज़ा व जवाहरे को मजबूत कर देना, मेरे जिस्म के हिस्सों को मजबूत कर देना है ना, वाल अज़ीमत जवानह और मेरे अल्लाह जो है वो मेरी हिम्मत को, मेरे आज़म को क्या करना, मुस्तहकम बनाना। जाहिर सी बात है दिल के हिसाब से भी क्या है अज़्म इरादा और हिम्मत चाहिए, लिहाजा दिल की मजबूती के लिए दुआ है और दीगर जो है वो आमाल और दीगर उमूर को बरपा करने के लिए, जिस्म की सलामती के लिए
जो है वो आदमी को कोसा रहना चाहिए। इसलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कव्वि आला खिदमति का जवारे, ठीक है मेरे महबूब जो है वो क्या है, हमारे आज़ा और जवारे को मजबूत करना किसके लिए, अपनी खिदमत के लिए। नौजवान क्या है, ज़्यादा ताकतवर होता है, सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है, सही व सालिम होता है, लिहाजा उसके पास क्या है, चांसेस ज़्यादा हैं, मौके ज़्यादा हैं, उसके पास जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या है दीन के लिए कुछ कर सकता है। लिहाजा हर नौजवान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दीन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करे, ठीक है दीन के लिए क्या है कुछ ना कुछ ज़रूर करें। शुक्र अदा करें वो लोग के जो सही व सालिम, बिलखसूस आज के माहौल में जब जो है वो 30 लाख से ज़्यादा लोग इस ज़माने में इस बीमारी में मुबतला हो गए हैं, अल्लाह क्या है उसने हमको महफूज रखा है, लिहाजा हम जो है वो उसकी दीन की खिदमत उसके अहकाम को बरपा करने के लिए कोशा रहे हैं। शायद ये शुक्र भी हो अल्लाह के बारगाह में हमारा ये इकदाम, आगे इंशाल्लाह शुक्र के भी फ़िक्रे आएंगे। फिर हम फरमाते हैं वाउज़िअनी फ़ीहिल अदा शुक्र का बिकरमिक, और मेरे अल्लाह अपने करम के ज़रिए से हमें अपना शुक्र अदा करने के भी क्या है तौफीक इनायत फरमा। ये बहुत अहम गोशा है, खूब अगर तंदुरुस्त है इंसान तो ये खुद बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, तंदुरुस्त जवान के लिए, तंदुरुस्त शख्स के लिए जो है वो क्या है सबसे बड़ी नेमत है। यूँ भी अगर आप मुलाहजा फरमाएं तो दीन इस्लाम जो है वो तकवीत बदनी और तकवीत रूही दोनों को नज़र में रखता है, वो किसी भी इंसान को किसी भी मुसलमान को जो है वो क्या है मरीज़ नहीं देखना चाहता है।